नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके और मैं हूं प्रियंका। वक्त हो चला है खबर फटाफट का, खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तब तक देखते रहिए न्यूज बीके। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ, पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए, बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, पहली खबर है झांसी से। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 की तैयारियों की समीक्षा, संबंधित विभिन्न सूचनाएं प्रेषित करने के लिए दिए निर्देश। तैयारियों की ऑथेंटिक रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करने के भी दिए निर्देश। सभी तैयारियों को जल्द अंतिम रूप दिया जाए, बोले मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला। झांसी में वर्चुअल दी गई जानकारी। झांसी में रेलवे डीजल लोको शेड ने दिलाई मतदान की शपथ। स्वीप अभियान 2022 मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को दी गति। 20 फरवरी को अवश्य करें मतदान, विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी रहे मौजूद। जिलाधिकारी झांसी के निर्देशन में अवैध शराब के ढेरों पर दी गई दबिश। 510 लीटर अवैध कच्ची शराब हुई बरामद। 2000 किलोग्राम लहन मौके पर किया नष्ट। 6 अभियोग किए पंजीकृत। झांसी से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कैलाश साहू ने की प्रेस वार्ता। भाजपा विधायक पर लगाए गंभीर आरोप, खतरे में बताई अपनी जान। कैलाश साहू ने कहा, मेरे या मेरे परिवार पर किसी भी प्रकार का हमला होने पर भाजपा विधायक को माना जाए दोषी। तमिलनाडु में छात्रा के आत्मघाती कदम उठाने पर झांसी में विरोध प्रदर्शन। विद्यालय प्रशासन पर लगाया आरोप, छात्रा को नहीं दी गई छुट्टी। विद्यालय में ही करवाया जा रहा था साफ सफाई का काम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के झांसी के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु सरकार की शव यात्रा निकाल कर फूका पुतला। झांसी में घर घर जाकर वोट मांग रहे मोदी जी। रवि शर्मा के कार्यालय पहुंचे नरेंद्र मोदी। दिखा अनोखा चुनाव प्रचार, मोदी जी का मुखौटा पहनकर मांग रहे हैं वोट। इंदौर का निवासी है मुखौटे के पीछे छुपा व्यक्ति। भाजपा सरकार के लिए कर रहा है चुनाव प्रचार, लोगों के साथ ली सेल्फी। मऊरानीपुर के दमेले मैदान में जन अधिकार पार्टी व भागीदारी परिवर्तन पार्टी की हुई जनसभा। सपा भाजपा बसपा पर जमकर निकाली भड़ास। समाजवादी पार्टी को एक विशेष जाति को लाभ देने वाली बताया, तो वहीं भाजपा को झूठे वादे करने वाली पार्टी बताया। कई लोग रहे मौजूद। मऊरानीपुर में भारतीय जनता पार्टी अपना दल निषाद पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि आर्य ने कई ग्रामों में किया जनसंपर्क। घर घर जाकर लिया जनता से आशीर्वाद। 20 फरवरी को कप्लेट का बटन दबाकर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने की सभी से की अपील। भाजपा की योजनाओं की दी जानकारी। बबीना प्रत्याशी राजीव सिंह पारीक्षा का तेज हुआ जनसंपर्क। डोर टू डोर अभियान के दौरान एक तरफा दिखा माहौल, खुलकर समर्थन में आ रहे हैं लोग। जनता चाहती है पूर्ण बहुमत से ही दोबारा बने भाजपा सरकार, बोले राजीव सिंह पारीक्षा। बबीना से सपा प्रत्याशी यशपाल सिंह यादव ने गांव गांव जाकर किया जनसंपर्क। कार्यकर्ताओं ने यशपाल यादव को भारी बहुमतों से जिताने की अपील। जमकर किनारेबाजी, काम किया है काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, विकास का पहिया यशपाल भैया, बोले कार्यकर्ता। बबीना में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम हुआ आयोजित। पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव, जनसभा को संबोधित करते हुए सपा की नीतियों से कराया अवगत। यशपाल यादव के समर्थन में किया प्रचार, आप प्रत्याशी को विजयी बनाकर भेजिए, हम उनको मंत्री बनाकर भेजेंगे, बोले राम गोपाल यादव। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु सहाय पहुंचे गरौठा, लोगों को कलावा बांध कर दिलाई राम की शपथ। भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की कही बात, बुंदेलखंड राज्य निर्माण नहीं तो भाजपा को वोट नहीं, बोले भानु सहाय। गरौठा प्रत्याशी दीपनायक सिंह यादव ने गरौठा के कई गांवों में किया जनसंपर्क। कार्यालय पर हुई बैठक, साहू समाज ने दिया घोषणाएं में विजयी होने का आशीर्वाद। सपा सरकार बनाने की अपील, भाजपा पर साधा निशाना, कई लोग रहे मौजूद। जालौन में अनियंत्रित होकर पलटी कार, कार में बैठे लोग बुरी तरह से हुए घायल। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, घायलों को कार से सुरक्षित निकालकर चिकित्सक के लिए भेजा। कुठौन थाना क्षेत्र का है मामला। क्राइम फ्री जालौन ने बढ़ाया एक और सराहनीय कदम, मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर एक अंतर जनपदीय गिरोह को पकड़ने में की कामयाबी हासिल। गिरफ्तार बदमाशों पर किया मुकदमा दर्ज, भेजा जेल।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल व स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे जालौन। हाल ही में भाजपा से सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के समर्थन में कर रहे हैं प्रचार प्रसार। जनता से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की अपील। ग्वालियर में ऑनलाइन कियोस्क संचालक ने हटी बच्चों की फीस। 17 फरवरी को है छात्रों की बोर्ड परीक्षा। बच्चों से भ्रष्टाचार करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शकुंतला देवी मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है मामला। 300 करोड़ की नवनिर्मित रोड पर विवाद। स्मार्ट सिटी के अफसरों ने दिया था रोड को थीम रोड का नाम। हिंदू महासभा ने पोती काली। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2011 में किया था वीर सावरकर मार्ग का भूमि पूजन। दतिया में राष्ट्रीय संघ के निर्देशानुसार जन सम्मान की समस्याओं के निराकरण हेतु की गई सुनवाई। कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ जिले के विभिन्न अंचलों से आए नागरिकों की सुनी समस्याएं। निराकरण करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। ये थी आज की कुछ खास खबरें और फटाफट में कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।